हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिटिक्स एनीमे। आज का एपिसोड बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि ये मर्ज एपिसोड है गाइज, एपिसोड नंबर 32 और एपिसोड नंबर 33। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक मार दो, बेल आइकन को दबा दो और वीडियो को शेयर कर दो जल्द से जल्द। तो गाइस, आज का टारगेट है ये कि आप में से हर एक बंदा वीडियो ख़त्म होने पर वीडियो के नीचे एक एक लाइक मार के वीडियो पर एक एक प्यारी सी कमेंट कर देना गाइस। और मैं एक ऑडियो ट्रैक आपके सामने लगाऊंगा बहुत छोटा सा, उसका अगर आपने नाम बता दिया कि वो कौन है तो मैं आपको शॉर्ट आउट दूंगा मेरी वीडियो में जो अगली वाली आएगी। तो आप ये साउंड ट्रैक सुनिए और फिर डिस्क्रिप्शन में मतलब कमेंट बॉक्स में आप इसका नाम बताइए कि ये कौन है, जो पहले बताएगा उसको शॉर्ट आउट मिलेगा। तो आपने आवाज सुन ली होगी तो आपको पता होगा, तो प्लीज कमेंट करो, आपको शॉर्ट आउट जरूर मिलेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बुरुटो जा रहा है अपने घर पर और फिर बाद में जो हमेशा की तरह लेट हो जाती है क्योंकि वो खाने की सामान की पैकिंग करती है और फिर शिनोसेंसे उसको चिल्लाता है। बुरुटो कागुरा को देखता है कि वो आएगा पर वो नहीं आता और फिर बाद में उससे शिकारी कहता है कि वो नहीं आएगा, तुम उसे ढूंढ रहे हो मुझे पता है। फिर बाद में बुरुटो कहता है उसके कारण ही तो हमारी ट्रिप मज़ेदार हुई थी, रोमांचक हुई थी। फिर बाद में बुरुटो घर पे आता है अपने, फिर हिमावारी उसके पास जाती है और कहती भैया मेरे लिए क्या लाए। फिर बुरुटो कहता है मैं तो तुम्हारे लिए बहुत सारा कुछ लाया, ये लो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर उसकी बहन पीछे से भागते भागते आती है और पूछती है भैया मेरे लिए क्या लाया हो, तो वो उसके हाथ में एक मतलब पैक देता है। फिर वो पूछती है क्या है, तो बुरुटो कहता है मेरे गंदे मोजे और बिना धोए हुए कपड़े। फिर वो रोती है और बहुत परेशान हो जाती है और वो फिर खाने को बैठते हैं। फिर बुरुटो अपनी बातें बताता है कि उसने ट्रिप पे क्या क्या किया, पर बाद में हम देखते हैं कि हिमावारी उठ जाती है और पूरा खाना भी नहीं खाती और चली जाती है अपने रूम में। फिर उसकी मॉम उसे देखते रहती है। बुरुटो कहता है मॉम मेरी बात तो सुनो, पर उसकी मॉम नहीं सुनती। अगले दिन में हम देखते हैं कि वो स्कूल में पत्ते खेलते रहते हैं फ्री टाइम में। फिर वहाँ पर शिनोसेन से आते हैं और इवाबे सारदा को लेके जाते हैं, तो उनके पीछे बुरुटो भी आता है और कहता है कि मैं ये पता है कि हम जब ट्रिप पे गए थे तुमने जो नुकसान किया था उसका कुछ बोल रहे होगे, पर मैं तुम्हें बचा लूँगा। और बुरुटो बड़ी बड़ी ढींगे मारता है और कहता है कि वहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हुआ था, पर अगर ये दोनों नहीं होते तो मैं मर जाता। आपको क्या कहूँ, मैं तो डूबने ही वाला था पानी में, पर मैं बच गया कैसे वैसे क्योंकि इवाबे वहाँ पर था। क्या बताऊँ सर आपको, उसके वजह से ही मैं आज आपके सामने हूँ। फिर इरुका सिंह से ये सुनते हैं और कहते हैं ओके, पर फिर ये चोजोरो सर ने क्या भेजा है। हाँ, फिर बाद में हम देखते हैं कि चोजोरो सर ने सब सही बता दिया था कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था। फिर बुरुटो और उनको पनिशमेंट मिलती है और वो स्कूल के दीवारों को पेंट करते हैं। फिर शिनोसेन से कहते हैं ठीक से पेंट करो, ये तुम्हारी सज़ा है। फिर बुरुटो चिल्लाता है ये क्या हो रहा है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर ओरोचिमारू होता है और उसका चेला पीछे होता है और वो ओरोचिमारू को उस घटना के बारे में सब बताता है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था, उन स्वॉर्ड्समैन के साथ क्या क्या हुआ। फिर ओरोचिमारू कहता है हाँ मुझे पता है, पर लॉर्ड चोचोरो ने उनका नाम बीच में आने नहीं दिया, वो सब लोग बंद है एक जगह पर। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि जो कागुरा होता है वो अच्छा बन जाता है और अपने अच्छे के लिए अपनी ब्लेड से प्रैक्टिस करता रहता है कि मतलब उसे अपने गुस्से पे कंट्रोल हो, और उसे सिखाने वाले लॉर्ड चोचोरो ही होते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर बुरुटो अपने घर पे आता है स्कूल ख़त्म होने के बाद और जूस पीने लगता है। उसकी बहन उसके सामने आती है और पूछती है भैया आपने लाया। फिर उसको बोलता है मतलब बुरुटो कहता है कि क्या लाया मुझे कुछ पता नहीं, तो उसकी बहन चली जाती है नाराज़ होकर अपने कमरे में। फिर बाद में बुरुटो उसकी मॉम के पास आता है और कहता है मॉम क्या हुआ बोलो ना, हिमावरी ऐसे नाराज़ क्यों है। फिर उसकी मॉम उसको चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने तुम्हारी बहन से क्या कहा था ट्रिप पे जाने से पहले कि तुम उसे सिनेमन स्वीट्स ला के दोगे, पर तुमने नहीं ला के दिए। फिर बाद में बुरुटो को याद आता है और बुरुटो उसके पास आता है कहता है मैंने तुम्हारे लिए स्वीट्स लाए हैं बहन, पर मैं वो थोड़े से दूर रखे हैं, अब मैं लेके आऊँगा उसे। तो फिर वो कहती है सच में जल्दी जाओ। फिर बुरुटो कहता है मॉम मैं जा रहा हूँ, मैं 2 मिनट में जल्दी आऊँगा। फिर वो अपने सारे दोस्तों से पूछता है क्या तुमने तुम्हारे सिनेमन स्वीट्स खा लिए, पर सारे दोस्त बोलते हैं हाँ हमने कब के खा लिए उसे। और फिर हम देखते हैं कि बुरुटो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, और फिर वो
इनोजिन के पास पूछता है, पर इनोजिन भी कहता है नहीं मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास है बैंगन का भरता है, खाओगे? पर वो कहता है नहीं। और फिर चोजो के पास तो जाने की बात ही अलग है, मतलब वो रखेगी नहीं। और फिर हम देखते हैं कि शाम को थकने के बाद बुरुटो यहाँ पर आता है और बहुत बेड सो जाता है। और फिर उसके पास मिस्की आकर पूछता है क्या हुआ, सिनामन स्वीट्स मेरे पास भी नहीं है, नहीं तो मैंने दे दिए होते हैं। फिर वहाँ पर सारा दाती और कहती है मुझे एक जगह पता है वहाँ पर सिनामन स्वीट्स मिलेंगे, वो विलेज के कोपरे में एक बड़ी सी मतलब छोटी सी झोपड़ी है, वहाँ पर मिल जाएगी। पर बुरुटो तभी भागते भागते जाता है और कहता है थैंक्स सारा दा। और फिर हम देखते हैं कि मिस्की भी उसके साथ जाता है और यहाँ पर कुछ मशरूम्स लटकाए हुए होते हैं। मिस्की उनमें से एक को हाथ लगा देता है तो उसकी उंगली टमाटर की तरह फूल जाती है और चमकने लगती है। और फिर हम देखते हैं उनको वो सिनामन स्वीट्स का बॉक्स मिल ही जाता है। बुरुटो कहता है वाह इस बॉक्स को मैं लेके रहूँगा, ये कितना अच्छा लग रहा है। और फिर बुरुटो कहता है अब मैं इसे हाथ लगाऊंगा और अपनी बहन के लिए लेके जाऊंगा। तभी अचानक से जब वो हाथ लगाता है तो मिस्की कहता है हाथ मत लगाओ ये अपनी चीज़ नहीं है, पूछ खेलो। तभी वो दादी उसके हाथ पर ऑगी वाला हथियार मारती है। फिर दादी कहती है हे बिना पूछा हाथ क्यों लगाते हो। और फिर बुरुटो कहता है मुझे चाहिए, आप कितने में देगी इसे। फिर ये दादी कहती है अबे हाथ मत लगा, मैंने कहा ना ये मैं बेच नहीं सकती, तुम्हें मेरे साथ खेलना होगा पत्ते। फिर बुरुटो कहता है चलेगा मैं खेलूंगा। दादी कहती है धीरे से कहो मेरे कान दुखते हैं। फिर बुरुटो कहता है इसके बदले मुझे ये मिलेगा ना। फिर दादी कहती है हाँ मिलेगा, पर तुमने अभी क्या कहा, मैं थोड़ी सी कान से बहरी हूँ। फिर बुरुटो कहता है क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता, समझी नहीं मैं कितने जोर जोर से बोल रहा हूँ, मुझे ये चाहिए मेरी बहन के लिए। फिर दादी फिर से चिल्लाती है कि शांत बैठो जोर से मत चिल्लाओ। तो फिर बाद में हम देखते हैं कि मिस्की को गुस्सा आता है। फिर मिस्की उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है बुरुटो ये दादी तुम्हें बहुत परेशान कर रही है, क्या इसका हाथ तोड़ दूँ। फिर बुरुटो कहता है नहीं नहीं वो मर जाएगी, नहीं ऐसा मत करो। फिर मिस्की कहता है फिर क्या करूँ बोलो, तोड़ दूँ हाथ। फिर बुरुटो कहता है मत छोड़ो छोड़ो उनको। और फिर हम देखो यहाँ पर वो बैठते हैं पत्ते खेलने के लिए, जो जीतेगा उसको सिनामन स्वीट्स का बॉक्स मिलेगा। यहाँ पर दादी सबको कार्ड देती है और फिर हम देखते हैं कि सब कार्ड खेलने में लगे होते हैं। बुरुटो पहले दादी की कार्ड देखने में लगा रहता है, फिर बाद में मिस्की उनसे कहता है बुरुटो से कि देखो उस दादी की कार्ड्स दिख रहे हैं वो स्पॉट्स में, देखो ध्यान से बुरुटो वो जो पॉट्स रखे हैं पीछे उनमें दादी की कार्ड्स दिख रहे हैं। फिर बुरुटो कहता है अरे यार मुझे नहीं खेलना फिर, ऐसा तो चीटिंग हो जाएगी। फिर दादी को कहता है और हार जाता है। और फिर दादी कहती है ठीक है तुम हार गए तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, चलो निकलो यहाँ से। और दादी उनको अपनी दुकान से बाहर हकाल देती है क्योंकि वो हार गए। फिर बुरुटो कहता है मैंने मेरे ईमानदारी से खेला फिर भी तुम ऐसे कह रहे हो बूढ़ी औरत। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो दादी उसके हाथ में सिनामन स्वीट्स का बॉक्स फेंक देती है और कहती है लेके जा मेरी तरफ से। और फिर बुरुटो देखता ही रहता है। और फिर शाम को जब रात हो जाती है तब वो घर पे जाते रहते हैं, तभी बुरुटो वो देखता है, तभी उसको टायोरी मिलता है और टायोरी के पास कागुरा का लेटर होता है। उस लेटर में लिखा होता है कि मैं तुमसे मिलने तो नहीं आ सका और तुम्हारे कारण मैं पूरा चेंज हो चुका हूँ, अब मैं ठीक से प्रैक्टिस करूँगा और अपने विलेज के लिए कुछ अच्छा करूँगा। फिर हम देखते हैं कि बुरुटो अपने घर पर आ जाता है, वो मिस्की को बाय बाय कहता है और थैंक्स कहता है। और फिर हम देखते हैं कि वो जब उसके घर पर जाता है तो उसकी बहन उसे मिलती है और वो कहता है कि ले लो सिनामन स्वीट्स, तो उसकी बहन बहुत खुश हो जाती है। और फिर वो हंसी खुशी अपने घर में चले जाते हैं और सो जाते हैं। इसी की तरह एपिसोड नंबर 32 को यहाँ पे खत्म होता है। यहाँ पर एपिसोड नंबर 33 के स्टार्टिंग में इनोजिन अपने एक ही तरह के ड्रैगन स्क्रोल्स की कॉपी बनाते रहता है, उसके पापा उसको पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो फिर इनोजिन कहता है बैटल फील्ड पे बार बार ड्राइंग करने की जरूरत नहीं होती। फिर तो फिर उसके पापा कहते हैं ये गलत तरीका है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, पर वो नहीं सुनता। अगले दिन यहाँ पर जो चोजी होता है वो अपनी बेटी चोजो को और शिकामारु को ट्रेनिंग कराने ले जाता है, पर वो उसकी बेटी और शिकाराई को हरा देता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों थक जाते हैं और तभी पीछे से इनोजिन आता है और कहता है देखो मेरी कॉपीज जो मैंने कल बनाई थी आज उनका इस्तेमाल होगा। और फिर वो उन कॉपीज में से ड्रैगन बीच स्क्रोल निकालता है और उसके ऊपर फेंकता है, पर चोजी के ऊपर जाने से पहले ही उनकी इंक बन जाती है, मतलब वो कुछ काम के नहीं बनते। फिर बाद में इनोजिन वापस से एक बनाता है और फिर वापस से वो जब हवा में फेंकता है तो उसका भी पानी पानी हो जाता है। फिर इनोजिन को नहीं समझता कि ऐसा कैसे हो रहा है, वो कहता है कि क्या मेरी ड्राइंग ख़राब हो गई है या मेरी ड्राइंग कमज़ोर है, और इसलिए वो वापस से ड्राइंग करने लगता है। पर हमेशा की तरह उसकी ड्राइंग वापस से बिगड़ जाती है। उसके पापा कहते हैं कि यहाँ पर कंपटीशन होने वाली है आर्ट की, तो तुम उसके लिए प्रैक्टिस करो, और इसीलिए वो एक पेंटिंग बनाता है, पर वो पेंटिंग इतनी दिल से नहीं बनाता। तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके पापा पेंटिंग का सेशन लेने के लिए आते हैं और कहते हैं कि तुम अभी चोचो की ड्राइंग बनाओ, वो बहुत प्रिटी गर्ल है। फिर वो कहती है कि हाँ सच में मेरी पेंटिंग बनाओ। फिर बाद में हम देखते हैं कि बुरुटो भी पेंटिंग बनाता है और यहाँ पर इनो को समझ में नहीं आता क्या करना है। बुरुटो कहता है मेरी पेंटिंग हो गई है, वाह देखो कितनी मस्त बनाई है मैंने, आओ सब आओ।
और फिर हम देखते हैं कि जब ये दोनों उसकी पेंटिंग देखते हैं तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने कुछ ऐसी पेंटिंग बनाई होती है उसकी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि उसके पापा कहते हैं कि वाह ये कितनी मस्त पेंटिंग है, तुम दोनों को नहीं पसंद आई पर मुझे पसंद आई। फिर बाद में इनोजिन कहता है मेरे पापा को मेरी पेंटिंग पसंद नहीं आती पर बुरुटो की कैसे पसंद आई, और वो कहते हैं कि ये भी स्क्रॉल भी कर सकता है, मतलब बुरुटो। और फिर इनोजिन कहता है नहीं मैं करना चाहूँगा भी स्क्रॉल, बुरुटो कैसे कर सकता है, उससे अच्छी तो मेरी ड्राइंग है। और वो प्रैक्टिस करता है फिर भी उसके भी स्क्रॉल ठीक से नहीं होते। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस होती है, और यहाँ पर जो ये टीम वर्सेस अपोजिट टीम में इनोजिन होता है तो इनकी फाइट होने वाली होती है। तो फिर इनोजिन अपना स्पेशल मूव इस्तेमाल नहीं करता वो बी स्क्रोल वाला, वो माइंड ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु करने लगता है उसकी मॉम की तरह, पर वही बेहोश होकर गिर जाता है। और इवाबे पे जब वो करता है तो इवाबे कहता है नहीं ये मुझ पर नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसमें हमेशा की तरह फेल नहीं रहता हूँ, मैं इसमें माहिर हूँ। फिर बाद में हम देखते हैं कि उसको भी वो थोड़ा सा माइंड ट्रांसफर जुत्सु लगता है और इवाबे भी नीचे बैठ जाता है और कहता है ये तगड़ा था, पर वो बाद में अटैक करता है अपने मड वॉल की तरह से। और फिर हम देखते हैं मड वॉल अटैक करने के बाद ये सब वापस से ऊपर से हमला करने लगते हैं, डेंकी भी ऊपर से शुरिकेन फेंकता है इनोजिन के ऊपर पर इनोजिन बच जाता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये तीनों आते हैं और फिर उन पर बहुत तगड़ा हमला करते हैं। फिर इनोजिन यहाँ पर अपना भी स्क्रोल जुत्सु के लिए अपना स्क्रोल निकालता है और उस पर ड्राॅइंग करने लगता है और कहता है अब क्या करूँ अब क्या करूँ, पर वो हार जाते हैं आखिर में। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये तीनों जीत जाते हैं मेडल, डेंकी और इवाबे। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जीतने के बाद यहाँ पर उसकी मॉम काम करती रहती है, उसके पापा कहते हैं इनोजिन के पापा साई कि क्या करूँ अपना बेटा अपने ड्राइंग को भूल रहा है तो इसलिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो वो यहाँ पर उस मतलब बुरुटो की बहन जिसका नाम होता है इमावारी उसको बुलाता है और कहता है ये तुम्हारी आज से टीचर है, ये तुम्हें बताएगी कि ड्राइंग कैसे करते हैं, बताओ इमावारी। तो इमावारी कहती है हमें अपने डैड्स को अपने मन में रखते हुए अपनी ड्राइंग बनानी चाहिए। तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये लड़की कहती है कि हमारे क्लास में इनोजिन सबसे अच्छी ड्राइंग बनाता है। तो फिर बाद में हिमावारी उसके पास आती है और कहती है क्या सच में, तो वो कहता है नहीं बिल्कुल नहीं। और फिर रात में हम देखते हैं कि वो सारे अपने ड्राइंग का सामान फेंकने वाला होता है, उसकी मॉम कहती है ऐसा क्यों कर रहे हो तुम तो अच्छे से भी स्क्रॉल बना लेते हो है ना, पर वो कहता है नहीं अब मैं नहीं करूँगा ये मैं छोड़ रहा हूँ। और फिर वो अपनी पहली पेंटिंग देखता है जो उसने बनाई थी। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर उसको लगता है कि अब मैं मुझे कुछ करना चाहिए, तो वो हिमावरी के पास आता है और कहता है मुझे ड्राइंग सच में सीखनी चाहिए ना। तो हिमावरी कहती है हाँ सच में तुम्हें करनी चाहिए, अपने मन से ड्राइंग बनाओ समझे। तो फिर बुरुटो भी उसको साथ देता है, तो इनोजिन कहता है ओके। तो फिर वो हिमावरी की दी हुई फ़ोटो पे मतलब उस पे भी स्कूल जुत्सु करने वाला होता है, मतलब उन फ़ोटोज़ को रियल में लाने की कोशिश करता है पर वो फ़ोटो अचानक उड़ जाती है। और फिर हम देखते हैं बुरुटो उसको पकड़ने वाला होता है पर वो नहीं पकड़ पाता, वो बहुत दूर जाकर गिरती है। और फिर वो फ़ोटो हिमावरी ने खुद अपने हाथों से बनाई होती है उसकी और उसके पापा की। और फिर हम देखते हैं कि बुरुटो और इनोजिन उस फ़ोटो को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं पर वो फ़ोटो नहीं मिलती क्योंकि फ़ोटो हवा के कारण बहुत दूर जाकर उड़ती है और आगे पानी होने वाला होता है। और फिर हिमावरी कहती है कि अरे आगे तो पानी है अब क्या करूँ, अब ये पानी में गया तो पूरा भीग जाएगा। फिर इनोजिन कहता है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए और वो स्लो मोशन में पानी में गिरने वाला होता है। तभी पता नहीं इतने से टाइम में इनोजिन कैसे एक खतरनाक बीस्ट कॉल करता है और बीस्ट कॉल जुत्सु करने के बाद वो बड़ा सा पक्षी समन कर लेता है और उस पर वो खुद बैठकर आता है और उस फोटो को पकड़ लेता है बुरुटो के पकड़ने से पहले। और फिर वो उन्हीं फ़ोटो को रियल में बीस्ट कॉल जुत्सु करता है और उन फ़ोटो के साथ डांस करने लगता है। और फिर बाद में बुरुटो उससे कहता है वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम तो अपने जुत्सु से माहिर हो गए। फिर ये कहता है हाँ अब मैं जो चाहे वो बना सकता हूँ और वो उसके मॉम के हाथ में एक पंछी भेजता है और कहता है कि मैंने कर दी क्या है डैड। तो उसके डैड कहते हैं वाह तुम सच में अच्छे हो बहुत कमाल के हो, मुझे पता था कि पेंटिंग तुम्हारे रग रग में है और तुम उसमें माहिर ज़रूर होगे। अगला वीडियो आने वाला है उन कैरेक्टर्स पे जो नारुतो शिपुडेन के शिनोबी वॉर में मारे गए थे। तो चलो गाइस बाय, इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। अगला एपिसोड है बुरुटो एपिसोड नंबर 34। तो टेक केयर एंड बाय।